like that. Don't overthink it. Why can't you stay? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it. Don't you keep me together with it? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आप सब हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेखा राजीव ब्लॉग्स पे। मैं हो चुकी हूँ रेडी, देख सकते हो। और मैं रोज की तरह 11:30 बज रहा अभी, और मैं जा रही हूँ क्रिस को उसके स्कूल से लाने। और बाहर का मौसम अभी तो साफ है, बट सुबह बारिश हो रही थी, तो फिर भी मैं छाता लेके जाऊँगी क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। तो चलते हैं। सो गाइस, देख सकते हो आज का मौसम। आप लोग, साफ तो है बट थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है सुबह। आप लोग देख सकते हो नीचे कितना पानी जमा है, तो इसीलिए मैंने छतरी ले ली है। तो गाइज, ये तालाब आप लोग देख सकते हो, ये तालाब बनने वाला था बट ये बारिश के टाइम पे फिर से ये बन गया। पूरा पानी खाली हो चुका था बट फिर से बन गया। हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ क्रिस को घर लेके। क्रिस को आप लोग देख सकते हो, वो आ गया है। और आने के साथ वो अपना टिफिन खा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा वो नहीं खाया था, तो वो आने के बाद वो थोड़ा सा खा रहा था। मैंने आज उसे दिया था मखाना और काजू फ्राई, और मैं खा रही हूँ ये कल का केक। कल मैंने खाया ही नहीं था, रेस्टोरेंट में एकदम थोड़ा थोड़ा सा खाया था, तो मैं ये वाला आज खा रही हूँ मैं और क्रिस। क्रिस को मैं हाफ खिलाऊंगी और हाफ मैं खाने वाली हूँ। क्रिस लो केक, केक कोई केक। और ये सब जो होता है निकाल, जो केक में सब कुछ ये सब लगा हुआ रहता है डेकोरेशन के लिए, ये सब मैं सारा निकाल के ले आई हूँ, क्योंकि ये सब मुझे ज़्यादा पसंद है खाना। हेलो एवरीवन, अभी हो गई है सुबह और सुबह के 9 बज रहे हैं, और क्रिस और उसके पापा गए हैं स्कूल, क्रिस को स्कूल छोड़ने के लिए। बट अभी जैसे ही मैं ऊपर आई, वैसे ही पता चल रहा है कि बाहर अभी बारिश हो रही है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, तो एकदम हल्के हल्के से बारिश हो रही है। तो वो लोग भीगे ना, आई होप कि वो लोग भीगे ना। और क्रिस को मैंने आज टिफिन में दिया है उसकी फेवरेट रोस्टेड पीनट और आलू के पराठे, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसको जो पसंद होता है ना, मतलब वो सिर्फ घर पे ही खाता है, स्कूल में नहीं खाता है। मैंने उसको देखा है कि वो स्कूल में नहीं खाता है, उसकी जो टीचर है वो ये शिकायत करती है कि आपका बच्चा टिफिन नहीं करता है, और वो सिर्फ वो स्नैक्स वगैरह टिफिन में अच्छे से खा लेता है। बट मैंने दिया है डेली क्या ही एक जैसा स्नैक्स दो, इसलिए मैंने कुछ आज डिफरेंट दिया है। देखती हूँ अगर खाता है तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट टाइम से जो वो ले जाता है वही वापस से ले जाएगा वो। आज जो है क्रिस थोड़ा लेट से निकला, आधा घंटा वो लेट से निकला है, क्योंकि वो जब सुबह उठा था तो उसे पॉटी लग गई थी, तो जिसके कारण से काफ़ी लेट हो गया। और उसके पापा भी काफ़ी आज कोशिश कर रहे थे कि क्रिस स्कूल ना जाए, बट मैंने नहीं माना, मैं लास्ट तक भेज के रही, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है एबसेंट करना। अभी से अगर वो एबसेंट करना सीख जाएगा तो फिर वो बड़े होके भी वो ऐसा ही होगा। और अभी वो छोटा है, उसका क्या है अभी ना, कि अगर वो स्कूल एक दो दिन एबसेंट करता है तो फिर कुछ दिन बाद वो जाना नहीं चाहता है। तो अभी कितना अच्छा वो स्कूल जा रहा है, बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, बैठ रहा है, उसकी मैम भी अभी काफ़ी तारीफ कर रही है उसकी। तो अब घर पे रह जाएगा कुछ दिन, तो फिर उसको लगेगा कि अब स्कूल नहीं जाना है, फिर से वो रोना धोना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जितना मैंने मेहनत किया उसके ऊपर, वो सब बेकार हो जाएगा। तो गाइस, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है बाहर, आप भीग गए नहीं, इधर दिखाइए, पूरा भीग चुके आप। कवर अच्छा लग रहा, मेरा फोन का कवर अच्छा लग रहा है, आपका टी शर्ट का कलर का है। हमारा जैसे ही स्कूल पहुँचे अंदर में उसको सोफा में बैठा देते हैं, उसके बाद आई जो है आया वो चप्पल खोल के ले गई, बैग ले गई, बोले चलो, तो बोल रहा नहीं मैम, ऐसे बोल रहा है मैम, बोल रहा है। जब मैम आई पूरा चलो बताओ के मतलब मैम के साथ ही पहचान गया है मैम को, और किसी के साथ भी नहीं रहता है स्कूल में, घुसता ही नहीं, वो चाहिए बस मैम के साथ आराम से। ओके गाइस, बाई करके घुस गया। तो क्रिस को चाहिए उसकी मैम, और किसी के साथ वो नहीं स्कूल जाता है, उसकी मैम ही चाहिए उसको स्कूल को जाने के लिए। अच्छा है कम से कम स्कूल जा तो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। तो गाइस, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है बाहर, आप भीग गए नहीं, इधर दिखाइए, पूरा भीग चुके आप। कवर तो अच्छा लग रहा है, कवर अच्छा लग रहा, मेरा फ़ोन का कवर अच्छा लग रहा है, आपका टी शर्ट का कलर का है। और
तुम्हारा जैसे ही स्कूल पहुँचे अंदर में उसको सोफा में बैठा देते हैं। उसके बाद आई जो है आया वो चप्पल खोल के ले गई, बैग ले गई, बोली चलो। तो बोल रहा नहीं मैम, ऐसे बोल रहा है मैम बोल रहा है। जब मैम आई पूरा बोली चलो बताओ के मतलब मैम के साथ ही पहचान गया है मैम को, और किसी के साथ भी नहीं रहता है स्कूल में, घुसता ही नहीं, वो चाहिए बस मैम के साथ आराम से। ओके गाइस बाय करके इसलिए तो क्रिस को चाहिए उसकी मैम, और किसी के साथ वो नहीं स्कूल जाता है, उसकी मैम ही चाहिए उसको स्कूल को जाने के लिए। अच्छा है कम से कम स्कूल जा तो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। गाइज मैं यहाँ पे काट रही हूँ फ्रूट्स अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो सुबह में ब्रेकफास्ट करते नहीं है, तो उनको मैं मिक्स्ड फ्रूट काट के दे देती हूँ ताकि उनका काफ़ी देर तक पेट भरा रहे। अब पूरा एक प्लेट भर के देती हूँ ना, तो उससे काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ रहता है, एक ही बार वो लंच करते हैं। मैं भी वही करती हूँ, अकेले अकेले क्या ही बनाओ, तो मैं अभी एक प्लेट भर के खा लेती हूँ, तो बस मुझे जल्दी भूख लगती नहीं है, एक ही बार मैं लंच ही करती हूँ। थोड़ा मुझे करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि घर भी काफ़ी मैसी है, फिर क्रिस को भी लाने जाना है। हमारे घर में मस्त ब्रेकफास्ट एकदम सिर्फ वीकेंड को बनता है, जब सभी लोग घर में रहते हैं, क्रिस भी घर पे रहता है, उसके पापा भी घर पे रहते हैं, तो उस दिन ब्रेकफास्ट बनाने में बहुत मज़ा भी आता है। इस चाकू से तो कभी नहीं रहा है, मेरे पास हर तरह का चाकू है, फ्रूट्स काटने का अलग, सब्जी काटने का अलग, प्याज काटने का अलग, टमाटर काटने का अलग, मैं हर तरह के चाकू रखती हूँ अपने किचन पर। वही लड़की हूँ जो बचपन में बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाती थी, मुझे फ्रूट्स एकदम पसंद नहीं था, खास करके मुझे एप्पल तो बिल्कुल ही नहीं पसंद था, बट अभी सब खाती हूँ क्योंकि वो उस चीज़ की अहमियत पता चलने लगा है ना कि ये सब अच्छी चीज़ है, पहले ये सब चीज़ पता ही नहीं था, ये सब चीज़ खराब होते हैं अच्छे होते हैं, बट नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा। सो गाइस मैं अभी यहाँ पे पीने वाली हूँ चिया सीड्स वाटर, ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, काफ़ी सारे इसके फ़ायदे होते हैं, तो मैं इसे डेली पहले इसे पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। इसे 15 आवर के लिए ऐसे सोक्ड करके रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और गाइज आप लोग देख सकते हो मैंने कल रात को मैंने जियो मार्ट से कुछ ग्रॉसरी वगैरह ऑर्डर करती, जिसमें मैंने ये लेमन भी ऑर्डर किया था, और ये लेमन आप लोग देख सकते हो कैसा इन लोगों ने दिया है, और मैंने 4 ऑर्डर किए थे, चारों के चारों इस तरह ख़राब निकले, और बहुत बार ये लोग ऐसा करते हैं। मैंने एक बार 4 कोकोनट मंगवाए थे, वो बिल्कुल पूरा सड़ा हुआ निकला, एक भी कोकोनट अच्छा नहीं निकला। और एक बार मैंने बनाना ऑर्डर किया था, बनाना भी काफ़ी 2-3 पीस एकदम सड़ा हुआ कुचला हुआ इस टाइप का आया था। ये लोग ये जो फ्रेश चीज़ें होती है ना, ये लोग बिल्कुल भी फ्रेश देते नहीं है, बोलते हैं कि हम लोग फ्रेश देते बट नहीं देते। इन लोगों को अगर बोला जाए तो ये लोग बोलते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, और इन लोगों का कुछ रिप्लाई नहीं होता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप ग्रॉसरी ऑर्डर करो, चावल दाल वगैरह ये सब जो सूखी चीज़ होती है वो सब ऑर्डर करो, ये सब ये लोग बहुत अच्छे देते हैं, बट ये सब चीज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं देते हैं। हे गाइस अभी जाने वाले हैं अभी ऑफिस, तो उन्होंने मुझे एक शर्ट दिया जिसको मुझे आयरन करना है, तो उनको आयरन करना आता है नहीं, वरना वो वही आयरन करते। तो स्टार्टिंग से तो मैं कभी आयरन करना सीखी ही नहीं, क्योंकि शादी से पहले मम्मी पापा सब मेरे ड्रेसेस सारे आयरन कर देते थे, और शादी होने के बाद भी जो थी मेरी साड़ियाँ थी उस टाइम पर ज़्यादा, तो इनका जो शर्ट वगैरह था वो मेरी सास ससुर यही सब आयरन कर देते थे, फिर मेरे ससुर जी के जाने के बाद मेरी सास कर देती थी, उसके बाद अभी मैं करती हूँ। मुझे एकदम पसंद नहीं है आयरन वगैरह करना, बट कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास,
क्योंकि आयरन तो करना पड़ेगा। शर्ट्स तो ऐसी चीज़ होती है क्योंकि हमारे भी कपड़े होते हैं, बट उसे आयरन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छे से फोल्ड करके रख देने से वो काफ़ी अच्छे से रह जाते हैं। बट शर्ट्स वगैरह ये सब है जो वो आयरन करना ही पड़ता है। और ये मुझे कुछ कुछ बात बता रहे थे, जैसे कि अभी सब्ज़ी लेने गए थे, जब क्रिस को छोड़ने गए थे तो घर में कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह कुछ नहीं थे, तो इनको मैंने कहा था कि आप ले आना उधर से जब आते टाइम, तो वो ये बता रहे थे कि कैसे मुझे एक जने ने ठगने की कोशिश की, मतलब कितने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहा था कि इतना हो गया। जब उन्होंने गिनवाया तो पता चला कि उतने नहीं हुए थे। तो थोड़ा सा उस टाइम पे होता है हड़बड़ी के टाइम पे कि बहुत लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, और हम लोग को तो ज़्यादा गर्व लगता है कि लड़की है बेवकूफ़ बन जाएगी इस तरह का। बट हम लोग का जो ट्रस्ट होता है ना कि चलो इतना सारा सब्जी ले लिया, अब जितना हुआ वो बता दो, बट वो लोग ऐसा करते हैं नहीं। चले ऑफिस, दूर वाला कि सामने वाला? दूर। पूरा सच धज क्यों रहे हैं आप इतना? बात है। क्या बात है? इसे बता दे तुमको। डेली इतना सजना धजना क्यों होता है? निकल चुकी हूँ क्रिस को लाने के लिए, घर से मैं निकल चुकी हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। सो गाइस जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल में जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।